नमस्ते दोस्तों, हेल्थ फर्स्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स में हमें पूछा जाता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कुछ खाने के तुरंत बाद पेट फूला फूला सा लगता है, हमेशा एसिडिटी और गैस की परेशानी रहती है, या फिर मोटापा यानी ओबेसिटी को कम करने के लिए कोई ऐसा हर्बल प्रोडक्ट बताए जो पूरी तरह से सेफ और बजट फ्रेंडली भी हो, तो आप प्लीज़ किसी ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करें। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुलियू पाउडर के बारे में और जानेंगे कि इसे लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके घटक यानी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसका सेवन कैसे किया जाता है, और हाँ, वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि नेचुलियू पाउडर के सेवन से क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो अब बात करते हैं कि नेचुलियू पाउडर की खासियतें क्या है। तो दोस्तों, आजकल कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, जो बदले हुए लाइफस्टाइल, फास्ट फूड और खाना खाने की गलत आदतों की वजह से हो रहा है। एक वक्त ऐसा था कि कब्जियत की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन सिर्फ बुढ़ापे में ही देखी जाने वाली समस्या थी, लेकिन आजकल बहुत ही कम उम्र के लोगों में भी ये देखी जाती है। अब आप इस 21st सेंचुरी में लाइफस्टाइल को या फिर फास्ट फूड को पूरी तरह से बंद या कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे में आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो आपका पचन भी बढ़ाए और पेट भी साफ रखे, क्योंकि सिर्फ पचन बढ़ाने वाले या सिर्फ पेट साफ करने वाले दवा से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती, लेकिन नेचुरलीव ये दोनों काम बहुत बखूबी से करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हिपेटोस्टेमुलेंट है, यानी ये दवा लीवर के फंक्शन में इम्प्रूवमेंट करती है। जैसे लीवर इम्प्रूव होता है, पचन यानी डाइजेशन की तकलीफें कम हो जाती है और खाना ठीक से पचने लगता है, और जैसे ही खाना ठीक से पचने लगता है, पेट अपने आप साफ होने लगता है और बढ़ा हुआ वजन बिना किसी साइड इफेक्ट के धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब जानते हैं कि नेचुलियू पाउडर के इंग्रेडिएंट्स यानी घटक क्या है। नेचुलियू में हरित की यानी हिरडा है। हरित की आयुर्वेद में वर्णित एक सबसे सेफ और बिना किसी साइड इफेक्ट वाला पाचक और लैक्सेटिव माना जाता है। ये पचन को बढ़ाता है और पेट को साफ करता है। ये रुक्ष गुण का होने की वजह से मेद यानी फैट को भी कम करता है। इसमें सनाई यानी सोनामुखी है, जो बड़ी अतड़ियों में जमे चिपके हुए मल को बाहर निकालने में काफ़ी उपयोगी है। इसमें बेहड़ा फल है, जो खाने में मौजूद ज़्यादा चिकनाहट को कम करने में हेल्प करता है। नेचुरलीव में आंवला यानी आमल की है, जो विटामिन सी से भरपूर है, जो फैट के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती है। गुलाब की पंखुड़ियों का चूर्ण इसमें होने की वजह से ये पेट की जलन यानी एसिडिटी को कम कर देती है। गुलाब की पंखुड़ियाँ स्टूल को सॉफ्ट कर देती है। बड़ी सौंफ और अजवाइन बहुत ही पाचक है, जो गैस को तुरंत कम कर देती है। मुलेठी पेट के एसिड को कंट्रोल करती है और काला नमक जो है वो भूख को बढ़ा देता है। अब ये जानते हैं कि नेचुलियू पाउडर का सेवन कैसे किया जाता है। गैस या फिर एसिडिटी की समस्या हो तो उसमें इसका सेवन प्रतिदिन आधा चम्मच खाना खाने से 10 मिनट पहले दिन में 2 बार किया जाता है। और कब्ज या फिर मोटापे की तकलीफ के लिए आपको इसका सेवन करना है तो रात को 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से नियमित 8 से 12 सप्ताह तक इसका सेवन करना होता है। आपको तकलीफ ज़्यादा है तो आप इस पाउडर को रोज़ ले सकते हैं। आपकी तकलीफ कम है तो आप पाउडर को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। अब ये जानते हैं कि नेचुरलीव पाउडर के सेवन से क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, नेचुरलीव पाउडर एक हर्बल पाउडर है, इसलिए इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते। और इसकी खास बात यह है कि इसे लेने के बाद आपको इसकी आदत नहीं पड़ती, यानी आप ये पाउडर बिना किसी टेंशन के जब चाहे ले सकते हैं। यदि आपको नेचुरलीव पाउडर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। उस लिंक से आपको इसकी जानकारी यानी अवेलेबिलिटी और डिस्काउंटेड प्राइस का पता चल जाएगा, तो वो लिंक आप ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नेचुरलीव की। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फायदेमंद रही होगी। आपके इससे जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम जल्द ही एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर।